हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीवरेज क्या होता है ना। जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको जो है इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आपको फुल मार्जिन होने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको जो है लीवरेज की ज़रूरत होती है। कि वो जो एक पर्टिकुलर लीवरेज होता है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए, उतना लीवरेज आपके पास होना चाहिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो ये लीवरेज एक्चुअल में होता क्या है, आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सब के बारे में जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, सपोज कीजिए कि आप निफ्टी का जो है एक लॉट ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करना चाहते हैं तो जो है आपको कितना जो है फुल मार्जिन लगेगा, कितना आपको इंट्राडे मार्जिन लगेगा, इन सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब लीवरेज होता क्या है पहले ये जान लीजिए आप, ठीक है। लीवरेज क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो है निफ्टी का जो है एक ट्रेड लेना चाहते हैं और एक ट्रेड के लिए आपको 100 रुपये का लीवरेज लगता है, ठीक है। 100 रुपये का नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपको निफ्टी का एक ट्रेड जो एक लॉट ट्रेड करने के लिए नॉर्मल ट्रेड में आपको 100 रुपये का लीवरेज लगता है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप निफ्टी का एक लॉट ट्रेड कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल पोजीशन आप एक लॉट ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद उस पोजीशन को अगर आप चाहें तो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक नॉर्मल लॉट के लिए 100 रुपये का आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है। पर अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, आप उसको सिर्फ इंट्राडे के लिए ही ट्रेड करना चाहते हैं। अब इंट्राडे के लिए ट्रेड करना मतलब आप नॉर्मल पोजीशन ओपन नहीं करेंगे, या तो आप वहां पे MIS पोजीशन ओपन करेंगे, या तो फिर आप ब्रैकेट ऑर्डर या तो फिर कवर ऑर्डर ओपन करेंगे। तो जब भी आप ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर या तो फिर MIS ऑर्डर ओपन करते हैं, जो कि सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, जिसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, है ना। जिसको आप जो है आज अगर आपने खरीदा है तो आपको आज ही उसको बेचना है, अगर आज आपने बेचा है तो आपको आज ही खरीदना है, उसको आप कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो इंट्राडे पोजीशंस होते हैं उनके लिए आपको आपका जो ब्रोकर होता है, जिस भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हैं, वो ब्रोकर आपको लीवरेज देता है। अब हर ब्रोकर आपको अलग अलग लीवरेज देता है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो आपको 10 times लीवरेज देते हैं, कुछ 12 times देते हैं, कुछ 14 times देते हैं, कुछ 18 times, कुछ 20 times, और कुछ ब्रोकर्स हैं जो 40 times तक का भी ब्रोकरेज देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल पोजीशन निफ्टी के लिए आपको सपोज कीजिए कि अगर 100 रुपये का लीवरेज मार्जिन चाहिए, तो अगर आपका ब्रोकर आपको 20 times लीवरेज देता है इंट्राडे के लिए, नॉर्मल के लिए 100 रुपया, अगर आप उसको इंट्राडे में कर रहे हैं और आपका ब्रोकर आपको 20 times उसमें लीवरेज दे रहा है, तो क्या होगा, आपको एक ट्रेड करने के लिए कितना पैसा लगेगा इंट्राडे में। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, 100 / 20 कर लीजिए। जब आप 100 / 20 करेंगे तो आपको क्या अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 5, यानी कि आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए एक लॉट के लिए आपको 5 रुपये लगेंगे। तो आपने यहां पे फर्क देखा कि आपको एक निफ्टी का एक लॉट नॉर्मल पोजिशन लेने के लिए 100 रुपये लग रहे थे, मगर वही निफ्टी का एक लॉट जब आप इंट्राडे में ले रहे हैं तो आपको 20 times लीवरेज मिलने की वजह से आप 5 रुपये में ही जो है आप एक लॉट ओपन कर पा रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको समझ में आया होगा कि लीवरेज क्या होता है और किस तरीके से लीवरेज को आप कैलकुलेट करते हैं। अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ जाते हैं, लाइव एग्जांपल के साथ। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम अपस्टॉक्स प्रो का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जो मार्जिन कैलकुलेटर है हम उस पे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अपस्टॉक्स प्रो का मार्जिन कैलकुलेटर है, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया NSE फ्यूचर, और ये निफ्टी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 29 जून का
कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हमने यहाँ पे बाय सेलेक्ट किया हुआ है, इसका एक लॉट 75 का एक लॉट होता है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको कितना मार्जिन लगेगा। अब आप देखिए कि निफ्टी का एक लॉट के लिए आपको 57,462 रुपीस एंड 30 पैसे, इतना आपको मार्जिन लगेगा अगर आप निफ्टी का एक लॉट बाय करना चाहते हैं 9575 के प्राइस पे। अगर निफ्टी 9575 पे ट्रेड कर रहा है तो आपको निफ्टी का एक लॉट बाय करने के लिए नॉर्मल पोजीशन में आपके अकाउंट में मिनिमम 57,462 रुपीस एंड 30 पैसे लगेंगे। अब अगर आप इसको नॉर्मल पोजीशन में ट्रेड नहीं करना चाहते, अगर आप इसको इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब आप इसको आज ही खरीदेंगे और आज ही आप इसको बेच देंगे, तो उस सिचुएशन में जो है आपको जो है कितना मार्जिन लगेगा। तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, कैलकुलेटर। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितना लगेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पता है कि निफ्टी का एक लॉट को एक लॉट नॉर्मल पोजीशन में ट्रेड करने के लिए आपको 57,462 लगेगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 57,462। ठीक है, इसको हम डिवाइडेड बाय कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका ब्रोकर आपको 10 टाइम्स लीवरेज देता है। ठीक है, अलग अलग ब्रोकरेज जो हाउसेस हैं वो अलग अलग लीवरेज अमाउंट देते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो ब्रोकरेज जो ब्रोकर है वो आपको जो है 10 टाइम्स लीवरेज देता है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमको अमाउंट आ रहा है 5746। ठीक है, मतलब अगर आप निफ्टी का एक लॉट इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, जिसको आप आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिनिमम 5,746 रुपीस होना चाहिए इंट्राडे के लिए। ये मैंने सिर्फ एक आपको रफ एग्जांपल बताया है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट ये लगेगा नॉर्मल पोजिशन के लिए, और जो इंट्राडे पोजीशन के लिए ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, क्योंकि सारे ब्रोकर का जो लिवरेज है वो अलग अलग होता है। अगर आपका आपका जो ब्रोकर है वो अगर आपको 10 टाइम्स लिवरेज देता है तो ये एग्जैक्ट अमाउंट आपको लगेगा 5746, पर अगर आपका जो ब्रोकर है वो आपको 12 टाइम्स लिवरेज देता है तो आपको और भी कम पैसा लगेगा। और अगर आपका जो ब्रोकर है वो आपको 15 टाइम्स या 20 टाइम्स या 40 टाइम्स लिवरेज देता है तो आपको और भी ज़्यादा कम वहाँ पे क्या कहना चाहिए मार्जिन लगेगा, है ना। तो ये आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कितना लिवरेज देता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो जितना भी आपको मार्जिन लगेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका जो ब्रोकर है वो आपको कितना परसेंट लीवरेज देता है, कितना वो आपको लीवरेज देता है इसके आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि लीवरेज क्या होता है, और लीवरेज आपका ब्रोकर जितना आपको देता है उसके हिसाब से आपको जो है कितना मतलब मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे निफ्टी का कैलकुलेट किया, इसी तरह से आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप बैंक निफ्टी, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। अगर आप बैंक निफ्टी का सेलेक्ट करना बैंक निफ्टी का चेक करना चाहते हैं, आप कोई स्टॉक का चेक करना चाहते हैं, या कोई आप कमोडिटी का चेक करना चाहते हैं, तो आप ये जो मार्जिन कैलकुलेटर है अपस्टॉक्स प्रो का, यहाँ पे आके आप जो है इसका जो है किसी भी प्रोडक्ट का आपका ब्रोकर आपको जितना लीवरेज देता है उसके आधार पे आप अपना मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नॉर्मल पोजीशन के लिए जो मार्जिन लगेगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया निफ्टी के लिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा जो आपको नॉर्मल पोजीशन के लिए लगना है, इस अमाउंट को जो आपका लीवरेज अमाउंट आपका ब्रोकर दे रहा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा आपका इंट्राडे का मार्जिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक हो। ठीक है, तो ओके दोस्तों, तो ये वीडियो थी आपको ये समझाने के लिए कि लीवरेज क्या होता है, और लीवरेज को अलग अलग ब्रोकर्स आपको अलग अलग लीवरेज देते हैं, और लीवरेज के आधार पर आप कैसे अपना मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इंट्राडे
और नॉर्मल पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से लीवरेज क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। तो आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।